राज्य गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज जो वीडियो बना रहा हूं वो गृहस्थों के लिए भी है और वो साधकों के लिए भी है शिव अघोर मंत्र क्या होता है शिव अघोर मंत्र एक तो शिव का मतलब समझिए शिव का मतलब होता है कि वो तत्व जिसके बगैर हम शव हैं शिव अगर शरीर से हट जाए तो हम शव हो जाते हैं जो प्राण वायु है हम में जो शक्ति है जिसके चलते हमारा शरीर संचारित हो रहा है हमारे शरीर के अलावा हमारी पृथ्वी हमारा, हमारा ब्रह्मांड का जिससे संचालन हो रहा है वो महाशून्य की शक्ति को शिव कहते हैं अघोर अघोर क्या है तो घोर अघोर की परिभाषा में ना जाते हुए ये समझिए कि जब शिव का पहला प्रारूप पृथ्वी पर आया तो वो शिवलिंग के रूप में हुआ पाशुपत पाशुपत मतलब पशु मतलब हम भी तो पशु ही में आता है पशुओं के पति पाशुपत उनसे दो पद्धतियां निकली पूजा की एक कालरुद्र निकला एक कालमुख निकला एक अघोरी हुए जो कि गुफाओं में रहते थे एक कापालिक हुए जो कि मसान में हड्डियों से साधना करते थे तो जो अघोर साधना थी उसमें वो मंत्र तंत्र के प्रयोग से औषधियों के प्रयोग से वो गुफाओं में रह के और महादेव की साधना करते थे उन्हीं के द्वारा दिया गया अघोर मंत्र रुद्रघोर मंत्र मैंने दिया पहले वो था सुरक्षा के लिए शिव अघोर मंत्र आप लोगों के लिए है ताकि आप शिव के नजदीक पहुंच सके आप समझ पाए जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है जो आप लोग लाखों लाख जाप करते हैं आपको अल्प जाप में शिव के करीब होने की अनुभूति मिलेगी दो मंत्र मैं आप लोगों को दूंगा और दोनों ऐसा मंत्र है कि आप लोगों के जुबान पर बैठ जाए उससे पहले ये समझिए कि इसकी पद्धति क्या है थोड़ा अगर इसको आप पद्धति रूप से करेंगे ना तो आपको ज़्यादा जल्दी लाभ मिलेगा और आपको वो जो कॉस्मिक पावर है आपके शरीर में वो समझ में आएगा ठीक है आसन रखें वुलन मतलब आप कमल पे बैठ सकते हैं कॉटन या आसन या खाली ऐसे नहीं बैठेंगे इसमें ठीक है भस्म सर पर लगाएं गले में लगाएं हृदय में लगाएं कंधों पे लगाएं ठीक इसके बाद रुद्राक्ष का विशेष महत्व है दो माला 108 का रुद्राक्ष गले में धारण करें कम से कम 11 रुद्राक्ष जो ब्रेसलेट बोलते हैं रिस्ट में पहने और जो दोनों बाजू बंद है दोनों में फिर बारह बारह रुद्राक्ष धारण करें ठीक जिनको संभव हो वो त्रिनेत्र पे एक चौदह मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और कमर में फिर वही एक सौ आठ एक सौ आठ का दो तो इतने रुद्राक्ष पहन करके आपको इस साधना को करना होता है जब आप इस साधना को करते हैं तो आपको विजुअलाइज करना होता है कि आपके सहस्त्र के ऊपर एक अर्धचंद्र है अर्धचंद्र पर महादेव बैठे हैं अपने अघोर रूप में कपालिक रूप में मतलब कपाल से सुसज्जित महादेव बैठे हैं और उनके चरण के पास आपके गुरु बैठे हैं ठीक है इसके अलावा ठीक गर्दन के ऊपर जहाँ पर आपको वो गड्ढा खत्म होता दिखता हो अपने कपाल में हाथ अगर पीछे ले जाएंगे तो वो जो जोड़ है उस जगह पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे और ऐसा अनुभव करेंगे जो जो कॉस्मिक एनर्जी है जो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी है जिस जो प्राण वायु हमारे शरीर में जो पूरे यूनिवर्स आ रही है वो उस पॉइंट के थ्रू हमारे शरीर को पूरी भर रही है और भरते हुए हमारा पूरा शरीर जो है वो प्रज्वलित हो रहा है ऐसा ध्यान करेंगे पहले 108 बार हंग सह का जाप करेंगे मतलब सांस अंदर लेंगे 10 काउंट तक उसके बाद हंग बोलेंगे उसको रोक लेंगे और फिर सांस छोड़ेंगे तो सह बोलेंगे ऐसा शुरुआत में सात फिर ग्यारह फिर पंद्रह फिर इक्कीस और इसी क्रम में इसको बढ़ाते जाना है इक्कीस के बाद सात सात के क्रम में आप इसको बढ़ाएंगे एक सौ आठ तक ले जाएंगे इतना विधान करने के बाद अगर आप पूजा पर बैठे हुए हैं तब भी आपको इतना विधान करना है महादेव को पंच पूजा से पूजा करिए जो भी पांच चीजों से पूजा की जाती है उसके बाद जो पहला मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं इसका आप जाप 108 कर सकते हैं जो दूसरा मंत्र बताऊंगा उसका चौवन ही जाप हो सकता है तो जो 108 जो जाप है वो मंत्र महादेव का जो आप रोज जाप कर सकते हैं वो है ओम रिम रिम ओम फट स्वाहा ठीक है फिर से सुनिए ओम रिम रिम शोम फट स्वाहा एक अंतिम बार सुनिए ओम ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा ये शिव अघोर मंत्र है जैसे सात्विक में आप ओम नमः शिवाय करते हैं उसी का बीज वर्णन मैंने किया था ओम हांग नमः शिवाय अर्धनारेश्वर का मंत्र शिव शक्ति का मंत्र फिर मैंने दिया था ओम ह्रीम हाउंग नमः शिवाय पूर्ण रूपे शिव का अघोर मंत्र ये है ओम ह्रीम ह्रीम शाम स्वाहा इसके जाप से आपको शिव आपके करीब लगेंगे जो जिनके पास समय कम है उनके लिए शब्द ज्यादा है लेकिन चौवन जाप से भी फल मिलता है मंत्र है ओम रम शम रम शम रम शम रम चम रम ओम फिर से मंत्र सुनिए ओम रम शम रम शम रम शम रम चम रम ओम जब पह, पहला चार है, उसमें रम शम है मंत्र ठीक है और जो अंतिम एक बार है उसमें रम चम है च है पहले में श है दूसरे बार च है गिनती इन मंत्रों की इसलिए दी गई है क्योंकि हर अघोर मंत्र का एक पावर होता है और एक नॉर्मल बॉडी उस पावर को इमीडिएट ग्रहण नहीं कर पाती इसीलिए जब अघोर में कोई साधक आता है तो गुरु उसको कई दिनों तक घुमाता है कई छोटी छोटी चीज़ें करवाता है उसकी शक्ति को आंकता है तो आपके आपका शरीर इनिशियल इन मंत्रों को ग्रहण कर सके इसीलिए आप लोगों को मैंने हंगस जो साधना है वो करने को बोला और साथ में जो रुद्राक्ष आप लोगों को मैंने पहनने के लिए बोला उससे सुरक्षा विद्या और महादेव की कृपा तीनों मिलती है जैसे जैसे आपका हंग शह का आ, साधना आगे बढ़ेगा उसके साथ साथ आप इन मंत्रों का जाप बढ़ाइएगा देखिए मंत्र आसान है मंत्र सुनने में बहुत आसान लग रहा है लग रहा है कि तुरंत इसको करके हम खत्म कर लेंगे लेकिन ऐसा करना नहीं है आपको आपके श आपके शरीर को तैयार होने दीजिए इस मंत्र की शक्ति इस मंत्र की ऊर्जा को लेने के लिए मैंने आपको एक बार कहानी बताई थी कि जो गुप्त गायत्री मंत्र है वो छोटा है बहुत छोटा है और उसको एक साधक को दे दिया गया और साधक को बहुत स्पेसिफिकली बोला गया था कि गुप्त गायत्री का जाप 24 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं और वो साधक ना मानते हुए क्योंकि शक्ति समझ में आ रही थी मंत्र की तो वो बहुत ज्यादा उसका जाप करने लगा और अंतोगत वो ब्रेन हेमरेज से मारा गया था ये कहानी डॉक्यूमेंटेड है ये जो घटना है ये डॉक्यूमेंटेड है गुप्त गायत्री के ओर उसी तरीके से ये जो मंत्र आप लोगों को मैंने दिया ये बहुत गुप्त मंत्र है आप लोगों को बहुत फायदा देगा लेकिन हड़बड़ा कर इसका जाप नहीं करना है, दवाई की तरह लेना आज के लिए इतना ही जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है उसको डाउनलोड करिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा आप उसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट अघोर तंत्र रहस्य डॉट एक्सएस आज के लिए इतना ही महादेव आप लोगों पर कृपा करें ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश አላካዴሽ